बीजेपी का नारा है इस बार, अब की बार 400 पार। पहले यह वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। बीजेपी कहीं अपने आप को ही ना गलत साबित कर ले, जिस तरह से उनका नारा है कि अब की बार 400 पार। अब मुझे इस पर भी शक होने लगा कि 400 पार या पूरा 500 पार या 543 जीत जाए। हो सकता है अगर आप इस वीडियो को गौर से देखे होंगे तो सारे विपक्षी पार्टी ने इस बात को लेकर के चर्चा है और सभी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर इस बात को पोस्ट किया है। राहुल गांधी तो एक सभा में भी इस बात को कह रहे हैं कि अब इस तरह से देखिए कैसे लोगों का जो अधिकार है उसको हनन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे हरियाणा चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में, उन्होंने क्या कहा है बिहार के बारे में कि एक समय था कि बिहार में जैसे बैलेट पेपर जो होता था वो बॉक्स को लूट लिया जाता, डकैती होता था। यानी कि बिहार को लेकर देखिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर के मन में क्या नियत है और वो कौन है आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए आज ये शुरुआत ही किया कि देखिए बीजेपी कहीं ना कहीं अपने आप को ही गलत साबित कर ले इस चुनाव में कि अब की बार 400 पार नहीं पूरा 543 ही। लोगों के मन में ये डर पहले से ही है कि ईवीएम का झोल हो रहा है। अब ईवीएम का झोल का अभी सफाई आना होता, उससे पहले ही देखिए कैसे बैलेट पेपर में धांधली किया जा रहा है। दो दिन के बाद मैं ये खबर चला रहा हूं क्योंकि सबको पता हो गया होगा, लेकिन क्या इसमें सच्चाई है? अब तो कोर्ट में केस चला गया है, लेकिन ये वीडियो देखकर सभी के मन में यही है कि कैसे किस तरह से देखिए कैंसिल किया गया है वोट को। सबके क्लियर थे कि बीजेपी को 16 मत हैं और आप और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो उनको मिलाकर के 20 हैं, यानी टोटल 36 वोट थे मेयर पद के लिए, 36 वोट कास्ट हुए भी और कास्ट होने के बाद 16 आए बीजेपी को और कांग्रेस और आपके गठबंधन को, जहां 20 आने चाहिए थे, 20 परे भी, 20 आने नहीं चाहिए, 20 वोट परे भी, लेकिन 12 वोट को वैलिड करार दिया गया और 8 वोट को कैंसिल कर दिया गया। यानी कि समझिए किस तरह से अब लोगों के अधिकार का हनन किया जा रहा है। क्लियर मेजोरिटी होने के बाद उनके वोट को कैंसिल तक कर दिया गया। अब कैसे अपना आदमी वोट कास्ट करेगा? जहां बीजेपी जीतेगी वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, जहां ना जीतेगी वहां जबरदस्ती जीत लेगी। जो लगातार मीडिया में यह बात फैलाई जा रही थी कि बिहार में बैलेट का चोरी होता है, डकैती होता है, सोचिए उस समय तो हम लोगों ने देखा नहीं, लेकिन ये जो मेयर का चुनाव है इसमें हमने देखा कि कैसे डकैती की जाती है। क्योंकि यह वीडियो सारे नेतागण डाल रहे हैं सोशल मीडिया एक्स पर, देखिए लगातार इसकी ही लाइन लगी हुई है। अब क्या इसको हम बोलते हैं लोकतांत्रिक? यानी कि जहां पर नाम का सिर्फ लोकतांत्रिक है, यहां पर तो हनन किया जा रहा है। डकैती तो हम देख रहे हैं, जो बदनाम करने की कोशिश की गई थी बिहार को कि बूथ लूट लिया जाता है, डकैती की जाती है, हम लोगों ने तो देखा नहीं, लेकिन वास्तव में कैसे होती है डकैती यह बीजेपी राज्य में हमने देख लिया। क्या लगता है इस तरह वोट कास्ट होने से क्या अब लग रहा है कि हमारा लोकतांत्रिक ढांचा देश का बचा हुआ है? जब तक सारे युवाएं जब इकट्ठा नहीं होंगे तो संभव नहीं। हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर हमको बहला फुसलाया जा रहा है, उस धर्म का क्या जब आप इंसान ही नहीं रहोगे तो। बस अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।